सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों ने आम नागरिकों पर क्लोरीन गैस बम से हमला कर दिया। इनमें 9 लोगों की मौत हो गई, करीब 73 लोगों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक क्लोरीन गैस की चपेट में आने से अलेप्पो में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अलेप्पो के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख जियाद हज के मुताबिक शुरुआती जांच में आम लोगों पर क्लोरीन इस्तेमाल की बात सामने आई है। विद्रोहियों ने इस्तेमाल किए गए हथियारों में क्लोरीन गैस मिलाकर हमला किया, यहां तक कि मिसाइलों में भी गैस प्रयोग होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी मरीजों पर और टेस्ट किए जाने बाकी हैं। इसके बाद ही साफ होगा कि हमलावरों ने किस हद तक अपने पास केमिकल जुटा लिया है। सीरियाई सेना के एक अधिकारी के मुताबिक सैनिकों ने विद्रोहियों के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और जिन जगहों पर बम फेंके जा रहे थे उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया। बताया गया है कि सेना की कार्यवाही में विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है। अलेप्पो को सीरियाई सेना ने 2016 में विद्रोहियों और आतंकियों से आजाद करा लिया था। हालांकि इसके बावजूद अलेप्पो की बाहरी सीमा से कुछ विद्रोही समय समय पर छोटे हमलों को अंजाम देते रहते थे।